नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। एक नजर चुनाव की बड़ी खबरों पर। चुनाव 24 में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे तक सभी पार्टी के दिग्गज करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी होशियारपुर में जनसभा के बाद तिरुवनंतपुरम के लिए होंगे रवाना। शाम करीब 4:35 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम मोदी शाम 5:15 हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। शाम 5:40 पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी 1 जून तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में करेंगे ध्यान साधना। 1 जून की दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से की शिकायत। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, या तो पीएम 1 जून की शाम को करें ध्यान या 30 मई की शाम को करते हैं तो इसके प्रसारण पर लगे प्रतिबंध। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। कहा, यदि प्रसारण किया तो शिकायत दर्ज करवाऊंगी। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर कसा तंज। कहा, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। पीएम मोदी मेडिटेशन कर जा रहे हैं कुशीनगर में रोड शो के दौरान बोली सपा नेता डिंपल यादव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह का दावा, पीएम मोदी सबसे बड़ी लीड से काशी जीत रहे हैं, यूपी में कम से कम 70 सीट जीतेगी बीजेपी। अमित शाह का बताया बीजेपी का 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट होगा, दिल्ली की सभी 7 सीट पर मिलेगी जीत। अमित शाह का दावा, बंगाल में 24 से 30 सीट पर मिलेगी जीत, ओडिशा में 15 से 17 सीट पर आएगी बीजेपी। अमित शाह ने माना, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 1-2 सीट का हो सकता है नुकसान, लेकिन तमिलनाडु केरल में बीजेपी अपना खाता खोलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे प्रचार। मंडी में कंगना रनौत के लिए करेंगे वोट अपील। सीएम योगी हिमाचल के हमीरपुर में करेंगे रैली। पंजाब के मोहाली और लुधियाना में करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में करेंगी कांग्रेस का प्रचार। दोपहर 3 बजे सोलन में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में संभालेंगे प्रचार के कमान। अमृतसर और फरीदकोट में करेंगे जनसभा। आनंदपुर साहिब के नांगल में करेंगे रोड शो। सीएम ममता बनर्जी आज साउथ कोलकाता में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे रोड शो करके वोट की अपील करेंगे। बेंगलुरु में अफवाहों का असर, डाकघरों में खाता खुलवाने पहुंची महिलाएं, ज्यादा मुस्लिम महिलाएं शामिल। खबरों के मुताबिक किसी ने अफवाह उड़ा दी कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपये ट्रांसफर करेगी। बिहार के आरा में एनडीए की कैंपेन गाड़ी पर बदमाशों का हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर की पिटाई की, गाड़ी चालक ने दर्ज कराई FIR। कोलकाता में बीजेपी ने ड्रोन शो का किया आयोजन। चार मीनार मैदान में बीजेपी ने ड्रोन के जरिए देश के महान विभूतियों और सरकार के कामकाज को दिखाया।